हेलो नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के नृत्य। कल हमने बात की थी राजस्थान के नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान के नृत्य यानी नृत्य क्या होता है। जब व्यक्ति बहुत पसंद हो जाता है तो उनके पैर में एक अलग प्रकार की थरकन उत्पन्न होती है, उसी भाव को नृत्य कहते हैं। नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य जिसमें कुछ नियम कायदे कानून के अनुसार जो नृत्य किया जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। वो शास्त्रीय नृत्य हैं। ये इसका घराना जयपुर घराना है, और जयपुर घराना है और इसके प्रवर्तक हैं वो है आपके भानुजी महाराज। फिर हमने बात की थी लोक नृत्य की। लोक नृत्य के कितने प्रकार हैं? लोक नृत्य के चार प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? लोक नृत्य के कितने प्रकार हैं? चार। एक तो होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा होता है व्यवसायिक लोक नृत्य, तीसरा होता है सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य, और चौथा जातीय लोक नृत्य। लोक नृत्य के कितने प्रकार हो गए? चार। पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा व्यवसाय लोक नृत्य, तीसरा सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य, और चौथा जातीय लोक नृत्य। फिर हमने सबसे पहले बात की थी क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब अपने क्षेत्र की विशेषता बताता है, वे क्षेत्रीय लोक नृत्य है। जिस प्रकार मान लो जोधपुर का है, यानी मारवाड़ में जोधपुर है, और इसका कौन सा नृत्य है? इसका गुल्ला नृत्य है। और बीकानेर का है अग्नि नृत्य है, भरतपुर का बम नृत्य है। इस प्रकार आज हम सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य में बात करेंगे, सबसे पहले अग्नि नृत्य की। तो आपको पता होगा कि अग्नि नृत्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है और कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? अग्नि नृत्य की। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अग्नि नृत्य कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतियासर है, बीकानेर का। इसके प्रवर्तक कौन थे जसनाथ जी थे। अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतियासर है, बीकानेर का। इसके प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे। हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि जसनाथ जी कौन थे, किस प्रकार इनका जन्म हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम था। जसनाथ जी के पिता थे, उसका नाम था हमीर जी जाट। वो जाट में भी है जाट जाति के जाट थे। फिर हम बात करेंगे इसकी माता की। माता का क्या नाम था रूपांदे। जसनाथ जी के गुरु थे, इनका नाम क्या था? गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म हुआ था लगभग 1482 में हुआ था। इसके बारे में एक किद्वंती है कि हमीर जी जाट और रूपांदे के कोई पुत्र नहीं था। इस बात से हमीर जी जाट और रूपांदे बहुत ही दुखी थे। एक बार क्या होता है कि हमीर जी जाट की पत्नी का नाम क्या था? रूपांदे।
रूपा दे के घर पर आता है एक साधु महात्मा, और साधु महात्मा वहाँ पर आते हैं तो साधु महात्मा रूपा दे को कहते हैं मुझे पानी पीना है। तो रूपा दे वहाँ से जाती है पनघट पर वहाँ से पानी लेने के लिए। वहाँ पर जो कुछ स्त्रियाँ थीं उनको कहती है मेरे घर पर महात्मा पधारे हुए हैं और ये पानी है जो सबसे पहले मुझे भरने दीजिए। तो वहाँ पर जो महिलाएँ थीं उसने कहा कि पुत्र तो भगवान देगा महात्मा कहाँ से देंगे। इस बात से रूपा देव को बहुत ही कष्ट हुआ और इसी बात से रूपा देव और हमीर जी जाट बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। एक बार हमीर जी जाट वर्षा ऋतु का टाइम था, खेत में जाते समय हल लेकर जाते थे। उसी समय वहाँ के लोग भी जा रहे थे, हमीर जी जाट को देखकर लोग वापस घर की ओर प्रस्थान हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि हमीर जी के कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि अगर ये हमारे को पास में आएगा तो हमारे धान या खेती है अच्छी नहीं होगी, हमारा अपशगुन हो जाएगा। इस बात से हमीर जी जाट बहुत ही दुखी हुए और वहाँ से उसने ये सोच लिया कि इस जीवन जीने में कोई सार नहीं है, इससे अच्छा तो है मैं कहीं जंगलों में चला जाऊं। और वहाँ से हमीर जी जाट जंगलों में चले जाते हैं और जंगलों में लगभग मध्य रात्रि के समय एक गोरखनाथ नाम का एक ऋषि होता है, उनसे उसकी मुलाकात होती है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो हमीर जी ने पूरी जानकारी दी। तो हमीर जी को जानकारी देने के बाद में गोरखनाथ जी ने कहा कि आप एक तालाब है वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको भगवान अवश्य ही पुत्र देगा। वहाँ से ये हमीर जी जाते हैं एक तालाब के पास और तालाब के पास में एक जाल का वृक्ष था। वहाँ पर एक शेषनाग जो अपनी फण किया हुआ इन जसनाथ जी की रक्षा कर रहा था। हमीर जी को देखकर वहाँ से जो ये सर्प था वो चला जाता है और हमीर जी को ये जसनाथ जी हैं जो काम मिलता है जाल के वृक्ष के नीचे। इसीलिए जसनाथ जी संप्रदाय के लोग हैं जो जाल के वृक्ष और मोर को पवित्र मानते हैं। घर पर लाने के बाद में बहुत खुशी होती है और लगभग एक साल के थे जसनाथ जी महाराज। जिस समय एक साल के थे उस समय यानी सर्दी का मौसम था, माता क्या करती है जसनाथ जी की, इनको वहाँ पर जो कुछ खीरे थे वहाँ पर छोड़कर बाहर चली जाती हैं और फिर वापस आती हैं तो जसनाथ जी हैं जो अग्नि में स्नान करते हुए नजर आते हैं। उनका अग्नि से इतना प्रेम हो गया क्योंकि वो अग्नि से तो स्नान करते थे बचपन में थे। लगभग 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी ने समाधि ली थी और जसनाथ जी को सिकंदर लोधी ने जागीरी प्रदान की थी। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी है इनके अनुयायी है जो 36 नियम का पालन करते हैं। जसनाथ जी और जामोजी के लगभग नियम समान है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, जीवों पर दया करना, जीव हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, इस प्रकार के इनके नियम हैं। यानी कि जसनाथ जी संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके नियम कितना है 36 जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। जसनाथ जी की प्रमुख पांच पीठ हैं। तो इसकी क्या ट्रिक है, पप्पू माली बाम, इनकी ट्रिक क्या है? पप्पू माली बाम पैसे क्या हो जाएगा पांचला। ये पांचला कहाँ है नागौर।
बाकी चार पीठ हैं वो बीकानेर में है, केवल एक पीठ है यानी पांचला वो कहाँ पर है, नागौर पर। फिर आता है बात पू, इससे क्या होगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका पूर्णासर, इससे क्या बन जाएगा पूर्णा सर। ये कहाँ है, ये बीकानेर में है, ये कहाँ है बीकानेर में। पे पू, फिर बात आती है माँ, फिर आती है बात माँ, माँ से क्या हो जाएगा, माँ से क्या हो जाएगा मालासर, माँ से क्या हो जाएगा मालासर। और मालासर कहाँ है बीकानेर में, मालासर कहाँ है बीकानेर में। फिर बात आती है, फिर बात आती है ली, ली से क्या होगा, ली से हो जाएगा लिखमासर, लिखमासर। ली से क्या हो जाएगा, ली से हो जाएगा लिखमादेसर, लिखमादेसर। ली से क्या हो जाएगा लिखमादेसर। ये कहाँ है, ये भी आपके बीकानेर में है, ये कहाँ है बीकानेर में। फिर बात आती है मासे, इस मास से क्या हो जाएगा, इस मास से क्या हो जाएगा। फिर बात आती है बाक्सी, बास से क्या हो जाएगा बमला, बास से क्या हो जाएगा बमला, बमला। ये भी कहाँ है बीकानेर में, ये कहाँ है बीकानेर में। फिर बात आती है मैं, फिर बात आती है मैं, बास से बमला, यानी कि पप्पू माली बाम, पप्पू माली बाम। पे से क्या हुआ पांचला नागौर, पू से क्या हुआ पूर्णासर बीकानेर, माँ से क्या हुआ मालासर बीकानेर, ली से लिखमादेसर बीकानेर, और बा से बमला बीकानेर। यानी पांच पीट है, पांच पीट में से एक पीट केवल नागौर में है, और चार पीट हैं वो कहाँ पर है, वो बीकानेर में है, वो कहाँ पर है बीकानेर में है। यहाँ के जो यानी जसनाजी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, इस नृत्य में मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना, हल जोतना, हल जोतना। अग्नि नृत्य में मतीरा फोड़ना, हल जोतना, इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। जो अग्नि नृत्य हैं जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य में महिलाएं कभी भाग नहीं लेती हैं। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य करते समय यहाँ पर लगभग कई मन लकड़ी इकट्ठी की जाती है और वहाँ पर धुना बनाया जाता है, उस पर दगदगते हुए अंगारों के साथ में ये नृत्य किया जाता है, दगदगते हुए अंगारों के साथ में ये नृत्य किया जाता है। अब हम बात करेंगे गुड़ला नृत्य की, अब हम किसकी बात करेंगे, गुड़ला नृत्य की। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुड़ला नृत्य तो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ में भी कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ में भी जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। अब हम बात किसकी करेंगे, गुड़ला नृत्य की, किसकी करेंगे, गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, मारवाड़ का। और मारवाड़ में भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। ये गुड़ला नृत्य क्यों किया जाता है, कब से किया जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं, वो आपको मैं कारण बताने की कोशिश करूँगा। यह है मान लो अजमेर, यहाँ क्या है अजमेर, अजमेर का शासक था मल्लू खां, अजमेर का शासक कौन था, मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति था वो था गुड़ला खां, गुड़ला खां। ये है मारवाड़, ये क्या है मारवाड़, मारवाड़ का शासक कौन था, सातल देव, मारवाड़ का कौन था, सातल देव, मारवाड़ का कौन था, सातल देव। कहा जाता है कि सातल देव का एक भाई था, उसको ये गुड़ला खां क्या
सातल देव का एक भाई था, उसको ये मल्लू कहाँ क्या करता है, कैद कर लेता है और अपने भाई को छुड़ाने के लिए सातल देव राठौड़ अजमेर पर चढ़ाई करते हैं और अजमेर से अपने भाई को छुड़ा कर लेके आते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए मल्लू खां क्या करता है, मल्लू का आक्रमण करता है और आक्रमण कहाँ करता है, मेड़ता पर आक्रमण करता है। मल्लू खां की सेना और सातल देव की सेना के मध्य युद्ध होता है। ये युद्ध होने के पश्चात मल्लू खां की सेना अजमेर लौट रही थी तो रास्ते में पिंपाड़ जगह आती है। रास्ते में पिंपाड़ नामक स्थान पर गणगौर के समय लगभग 140 कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी। इसी समय मल्लू खां का सेनापति गुरला खां वहाँ से गुजर रहा था और उसकी नज़र किस पर पड़ी, इन कन्याओं पर नज़र पड़ने के बाद में गुरला खां क्या करता है, इन कन्याओं को कैद कर लेता है। कैद करने की सूचना जब सातल देव को मिलती है तो सातल देव उसका पीछा कर गुरला खां का सिर काट देता है और सिर छिद्रित करने के बाद में सातल देव राठौड़ हैं उस गांव में ले जाकर उस कन्याओं को देकर और वहाँ पर पूरे गांव में इस गुरले खां का जो सिर था उसको घुमाया गया ताकि सब लोगों का ये पता चल जाए कि लड़कियों का अपहरण करने वाला का ये हाल होता है। उसी समय लड़कियां खुशी के मारे झूम उठी और उसी समय ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ में भी जोधपुर का। उस समय शासक कौन था, सातल देव। अजमेर का शासक कौन था, मल्लू खां का सेनापति गुड़ला खां। और मल्लू गुड़ला खां की एक पुत्री थी, उसका क्या नाम था गिंदोली। गिंदोली ने ये गुड़ला नृत्य प्रारंभ किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं गणगौर। गण का मतलब क्या होता है, गौर का मतलब क्या होता है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब क्या होता है, पार्वती। गणगौर की पूजा कन्याएं यानी लड़कियां और महिलाएं करती हैं। गणगौर की पूजा कभी भी विधवा महिला नहीं की जाती हैं। कुंवारी लड़कियां इसलिए करती हैं अपने श्रेष्ठ वर के लिए, और जो जिसकी शादी हुई होती हैं वो इसलिए गणगौर की पूजा करती हैं ताकि उनका अमर स्वाग रहें। इस प्रकार ये गुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ मारवाड़ में, कहाँ से, जोधपुर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।